हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं, और जो सबसे कॉमन सवाल पूछा गया है कि ऑपरेशन के बाद कौन से फल खाने होते हैं और फल खाना ज़्यादा अच्छा है या जूस पीना ज़्यादा अच्छा है। सारे सवालों के जवाब देने जा रही हूँ कि ऑपरेशन के बाद क्या आप फल खा सकते हैं, फल खाएँ या जूस पिएँ, और कौन कौन से फल आप सेफली खा सकते हैं और कौन से फल नहीं खाने होते हैं। तो सबसे कॉमनली जो सवाल पूछा जाता है कि हम जूस पी लें क्या, तो हम साफ साफ कहते हैं कि यदि आपके दांत सही हैं, यानी कि यदि आप खा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी फ्रूट्स, साबुत फल, होल फ्रूट होना चाहिए, ना कि जूस। क्योंकि जैसे ही आप फ्रूट का जूस निकालते हैं, उसका सारा का सारा फाइबर डस्टबिन में चला जाता है, और आपने एक बहुत अच्छा क्वांटिटी में हेल्दी न्यूट्रिटिव चीज़ आपने डस्टबिन में डाल दी है। इसलिए क्योंकि जब फाइबर आप खाते हैं तो आपका गट का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। आपको ऑपरेशन के बाद जनरली जो प्रॉब्लम आती है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो वो नहीं होता है। तो हाई फाइबर डाइट जनरली बताई जाती है, बट बहुत ज़्यादा हाई फाइबर भी नहीं हो के अगर आप लो फाइबर डाइट भी लेते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। तो एक सवाल का जवाब तो आपको क्लियरली मिल गया कि जूस के ऊपर यदि आप फल खा सकते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। बट यदि आपका कोई डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया स्पेसिफिकली कि यदि आपका कोई मुंह का ही ऑपरेशन हुआ है बाई चांस, तो डेफिनेटली आपको ऐसे लिक्विड चीज़ें खानी होती हैं, या फिर और किसी बीमारी की वजह से आप पूरा खाना चबाकर नहीं खा सकते हैं तो आपको जूस पीना है, नहीं तो आप प्रेफरेंस में पूरा का पूरा होल फ्रूट खाइए। अब सेकंड सवाल आता है कि अगर फल खाना है तो कौन सा खाएं। तो जो सबसे सीधा सा जवाब है कि आप सीजनल फल खाइए, कोल्ड स्टोरेज के फल बिल्कुल मत खाइए। क्योंकि कोई भी कोल्ड स्टोरेज का फल होता है वो लॉन्ग टर्म से स्टोरेज फॉर्म में पड़ा होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसमें इथाइलीन ऑक्साइड होता है, इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं। इथाइलीन ऑक्साइड एक कैंसरस केमिकल है, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना होता है। तो प्रेफरेंस में आपको सीजनल फल खाना होता है। और मैं मेरे मरीजों को एक ही बात बताती हूँ कि आपको मार्केट में जाइए और जो आपको सबसे सस्ता फल मिलता है ना, वो जाके खाइए। आप बिल्कुल महंगे फल एक भी मत खाइए। अगर एप्पल का सीज़न नहीं है और गर्मी में आप एप्पल खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोल्ड स्टोरेज की खा रहे हैं, वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। कि आप जैसे आज गर्मी का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे तरीके के मैंगो मिल रहे हैं, आम, अब आम देखकर किसका मन नहीं करता है कि मैं आम खा लूं, और डॉक्टर ये बोले कि आपको आम नहीं खाना, कितना बुरा लगेगा आपको ना। ऐसा नहीं, आम बहुत अच्छा है, आपको खाना चाहिए। उसमें विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, फ्रेक्टोज शुगर है, एनर्जी मिलेगी, तो आप अच्छे से आम खा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना, दिन भर में एक फल आप खा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप फल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो उसमें जो शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पेट के अंदर कई बार डायरिया जैसी सिचुएशन बन जाती है, यानी कि आपका पेट थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। दिन भर में एक फल खा सकते हैं। पपीता कई बार लोग बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं कि पपीता से डाइजेशन अच्छा होगा, पपीता में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और पपीता से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। बट कई बार पेशेंट उसको एक्सेस में लेने के कारण, हमने बहुत से पेशेंट उल्टियों के साथ एडमिट किए हैं, री एडमिशन के लिए आना पड़ता है हॉस्पिटल। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऑपरेशन के बाद क्या आप पपीता खा सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उसके लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको पहला तो जूस की जगह फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स में भी आपको सीजनल फल खाने हैं, दिन भर में एक ही फल खाना है, और चौथी बात जो सबसे सस्ता फल मिलता है मार्केट में वो खाना है, महंगे फल नहीं खाने। क्योंकि महंगे फल वो ही होते हैं जो नॉन सीजनल होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के होते हैं, या बहुत बाहर से कहीं से ट्रैवल करके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होके आते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके लॉन्ग टाइम के बाद आती है, यानी कि उसकी फ्रेशनेस चली जाती है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी डाउन हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। डेफिनेटली आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि हाँ आप फल खा रहे हैं, बट एक्चुअली में जो उससे आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा होता है। तो आपका मनी भी वेस्ट होता है और आपका हेल्थ भी वेस्ट हो जाता है। तो दोनों चीज़ें ना करिए, सीजनल ताज़ा फल खाइए, जो कि आपको रेहड़ी पे, दुकानों पे, बाहर बहुत सारी अमाउंट में मिल रहा होता है। तो अभी जैसे गर्मी के सीज़न की बात करें तो आपको आम मिल जाएगा, तरबूज मिल जाएगा, खरबूजा मिल जाएगा, लीची आ रही है, और इसके अलावा बेरीज भी आती हैं कई सारी। तो जो भी सीजनल आपको मिलता है वो आराम से आप खाइए। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या हम फ्रूट जूसेस के साथ में मिल्क शेक्स हैं या फ्रूट शेक्स हैं,
आइसक्रीम्स हैं और इनके क्या प्रिपरेशन फ्रूट्स की हम लोग खा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली मिल्क शेक बना सकते हैं। यदि आपके ऑपरेशन को 3-4-5 दिन हो गए हैं और आपका गट हेल्थ बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको डायरिया जैसी कोई समस्या नहीं हो रही है और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी भी कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिकली अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके फिर लीजिए। और यदि आपको पॉटी वगैरह सब ठीक हो रही है तो डेफिनेटली आप दूध ले सकते हैं, तो दूध के अंदर जैसे कि आप मैंगो शेक बना सकते हैं, इसके अलावा आप आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी कई तरीके से फ्रूट्स की प्रिपरेशन बनती है, यानी कि फ्रूट सलाद हो सकता है, फ्रूट कस्टर्ड हो सकता है, और आजकल मैंगो लस्सी भी बनती है, वो भी आप बना सकते हैं, तो आप दही डाल के भी बना सकते हैं। और जनरली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि फ्रूट्स आप मॉर्निंग में खाइए, यानी कि लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद में, यानी कि अराउंड 11-12 बजे के आसपास एक फल खा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि अभी शाम के टाइम पे भी आपको वीकनेस लगती है या एक फल और खाना चाहते हैं, तो अगर दूसरे तरीके का कोई फल आप शाम को 5-6 बजे के आसपास भी खा सकते हैं। बट लेट नाइट्स में हम आपको फ्रूट्स खाने की एडवाइस नहीं देते हैं और अर्ली मॉर्निंग में भी नहीं देते हैं। इसके अलावा जब भी आप फ्रूट खा रहे हैं तो आराम से तसल्ली से खाइए और उसका प्रिपरेशन अच्छा रखिए। उसमें आप साल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं या आप उसका कोई चाट मसाला या वैसा कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको आपके फ्रूट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और फिर भी यदि कोई सवाल बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं और या मेरी टीम में से कोई भी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सका तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए, हम अच्छा सा एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर बनाने में हमें बहुत खुशी होगी।